हम वेक्टर्स को थ्री डायमेंशन में यूज करते हैं, थोड़ा सा उसकी डिटेल आपको बता देते हैं कि हाउ यू हैव टू डील विद वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन। तो वैसे तो थ्री से ज्यादा भी डायमेंशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो हमारा रियल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग जिंदा हैं या जिसमें हम लोग अपने काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, दिस स्पेस इज थ्री डायमेंशनल, ऑल ऑफ यू नो दैट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो मालूम नहीं है कि स्पेस थ्री डायमेंशनल कैसे है, तो वो थोड़ा सा अभी हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो लाइक इफ सपोज अ मस्किटो फ्लाइज लाइक दिस इन दिस स्पेस, ऐसे मूव करता है, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है जिसको हमने बोला था ना एग्जैक्ट पाथ, कोई भी मुश्किल कम्प्लेक्स पाथ आ सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसी भी पाथ के लॉन्ग मूव करके यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो व्हेन दिस मस्किटो इज फ्लाइंग अबाउट इन दिस स्पेस, इट इज फाउंड कि आपको एग्जैक्टली तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। किस पर्पज के लिए? उस मस्किटो की किसी भी टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए कि वो कहाँ पर है। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, आपको एग्जैक्टली तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं सपोज ऐसे करता हूँ, सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं, सपोज अभी मस्किटो यहाँ पर है, ठीक है, मान लो उस समय स्टॉप वॉच टाइम दिखा रही है 0 सेकंड्स, तो 0 सेकंड्स पे अगर मस्किटो यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन क्या है, हाउ विल यू स्पेसिफाई कि इन दिस रूम, इस रूम में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट पॉइंट्स हम कैसे बताएंगे कि मस्किटो कहाँ पर है। तो उसके लिए मेथड क्या है, जैसे हमने प्लेन के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो एक्सिस चूज करते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर है, देखो ऐसी भी एक्सिस होते हैं जो परपेंडिकुलर ना हो, लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उन्हीं को हम कार्टेशियन एक्सिस बोलते हैं। तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना क्या होगा बाद में जाके बच्चे क्या है वो वोकैबुलरी को भूल जाते हैं, तो जब हम आपको आगे कोई चीज समझाएंगे तो आपको वो वर्ड्स ही नहीं आते होंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन एक्सिस मींस एक्स एंड वाई एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर होती है। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में आपको एक थर्ड एक्सिस की भी जरूरत पड़ती है, और वो थर्ड एक्सिस इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर आती है। तो इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आएगी? तो अगर हम ऐसे एक लाइन बनाएं इस तरीके से, उसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोर्ड पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये तो टू डायमेंशनल है, इट इज नॉट थ्री डायमेंशनल, सो वी कैन नॉट ड्रॉ दिस लाइन ऑन द बोर्ड। हाँ, यहाँ पे एक और बोर्ड रखना पड़ेगा, फिर मैं जेड एक्सिस बना सकता हूँ। लेकिन कई बार जेड एक्सिस को ऐसे सिम्बॉलिकली दिखा देते हैं, ऐसे दिखाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये जेड एक्सिस बाहर आ रही है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली मतलब आपस में, द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और आप अपनी मर्जी से कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं बना सकते कि आपको अच्छा लगा तो आपने किसी ने यहाँ एक्स बना दिया, यहाँ वाई बना दिया, यहाँ जेड बना दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। मेथड ये होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, देखो अब इन तीनों को, ये तो ओरिजिन है, सबको मालूम है जहां पे तीनों एक्सिस मीट करती हैं, और ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस है, नेगेटिव साइड पीछे की तरफ आ जाएगी, वो सब आपको मालूम ही है, ठीक है, नेगेटिव साइड किस तरफ आएगी, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली इन एक्स वाई जेड एक्सिस को कंबाइन करके मिला के हम इसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन तीनों को मिलाकर कई बार हम ये टर्म यूज करते हैं इसके लिए, इट्स अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, विच कंप्राइजेस ऑफ थ्री एक्सिस एंड इन विच वी हैव चोजन सर्टेन डायरेक्शंस टू बी पॉजिटिव डायरेक्शंस एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन टू बी नेगेटिव डायरेक्शन एंड देयर इज एन ओरिजिन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन होल ऑफ मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी, बिकॉज जब चीजें थ्री डायमेंशन में मूव करेंगी, जैसे हमारी स्पेस में कोई चीज मूव कर रही है, तो आपको एक्स वाई जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस पॉइंट की पोजिशन बतानी है इस रूम में, तो कैसे बताएंगे? तो अब इसमें दो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स देके काम नहीं चलेगा। तो अब आप इमेजिन कर लो कि ये जो दीवार है, ये पीछे वाली दीवार, ये जहां पर इस फर्श को मिलती है, मीट करती है, फ्लोर को मीट करती है, ये वाला पॉइंट है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेयर दिस वॉल, बैक वॉल मीट्स द फ्लोर, ठीक है। और ये जो एक्सजेड प्लेन है, ये देख रहे आपको ये चीज, मतलब ऐसे करते हैं, ये वाली लाइन को वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये जो ऊपर लाइन जा रही है इसको वाई एक्सिस मान लो, तो वो एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी, और ये जो लाइन है यहाँ पर, ये ऐसे, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, इसको जेड एक्सिस मान लो, मान लो ये दीवार वहीं, वो वाली दीवार इधर ही आ गई सपोज, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये जेड एक्सिस क्या बन जाएगी। तो ये हमेशा जिस भी रूम में आप बैठे हो तो इसको वाई एक्सिस, इस लाइन को एक्स एक्सिस और उसको जेड एक्सिस मान सकते हैं, ठीक है, तो अब ये जेड एक्सिस हो जाएगी। अब इस रूम में कोई भी पॉइंट है, लेट्स से मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, अब ये जो पीछे वाली दीवार है इसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन, और जो फ्लोर है उसको हम बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस और वो जेड एक्सिस, फ्लोर को हम क्या बोल सकते हैं एक्सजेड प्लेन, ठीक है। और वो वाली जो दीवार आएगी, जो अभी ना हम बता रहे हैं कि यहां से इमेजिन कर लो, वही वाली दीवार को मान लो आप चाहे भी, तो वो वाई और जेड, वाई जेड प्लेन बन जाएगा वो,
वो वाई जेड प्लेन बन जाएगा। तो ये वाई जेड प्लेन है, जैसे अगर हम क्यूब बनाते हैं तो क्यूब में ऐसे ही आएगा ना, क्यूब के अंदर तीनों प्लेन अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होगी क्यूब की, ठीक है, ये वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस होगी वाई। तो ये वाला जो फेस आएगा ये वाई जेड प्लेन बन जाएगा क्यूब का, और ये वाला प्लेन पीछे जो है ये एक्स वाई प्लेन है, और ये नीचे जो है ये एक्सजेड प्लेन है फ्लोर। आगे समझ में आपको? अब अगर हम स्पेस में इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? पहली बात, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स फाइंड क्यों करने हैं आपको? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी वांट टू फाइंड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स? तो बिल्कुल सिंपल है, प्लेन के अंदर हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्यों फाइंड आउट किए थे, किसी भी पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स? बिकॉज एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज से आपको ये पता चलता है कि ये पॉइंट कहां पर है एक्स वाई प्लेन में, इन ऑर्डर टू लोकेट दैट पॉइंट। तो फिर हमने मेथड डेवलप किया था, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर MP से आपको x कोऑर्डिनेट मिलता है, और MP से आपको y कोऑर्डिनेट मिलता है, और NP से आपको x कोऑर्डिनेट मिलता है। तो हमको मैंने मेथड बताया था कि MP इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो MP से y कोऑर्डिनेट मिलेगा, NP इज पैरेलल टू x एक्सिस, उससे x कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसी अगर स्पेस में कोई पॉइंट है, जैसे मैं अभी इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? विवांशु गैस करो, इस पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? क्या प्रोसीजर है? जैसे यहां पे एक प्रोसीजर मैंने बताया, तो यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करने दोबारा से, लेकिन अब आपको एक्स वाई प्लेन के ऊपर, मतलब इस प्लेन के ऊपर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहां पर, तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये जेड एक्सिस को पैरेलल आएगा, आएगा कि नहीं जेड एक्सिस को पैरेलल? तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है, एम पी। अब जब हम M से P तक जा रहे हैं, हम पॉजिटिव Z एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे आपको Z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे YZ प्लेन पर, उस परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर X एक्सिस को पैरेलल है, उससे आपको ये वाला परपेंडिकुलर, मान लो ये पॉइंट है N, तो NP से आपको X कोऑर्डिनेट मिलेगा, MP से आपको Z कोऑर्डिनेट मिलेगा। और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम यहां फ्लोर के ऊपर ऐसे सीधा, अब ये Y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, तो इससे आपको ये पॉइंट को हम K ले लेते हैं, ये, तो के पी से आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, के पी, एम पी और एन पी, ठीक है। अब जब हम के से पी तक जा रहे हैं, हम पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो के पी के साथ हम क्या करेंगे? प्लस साइन लगाएंगे। जब हम m से p तक जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो नेगेटिव के अलोंग भी जा सकते हैं कभी मे बी, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के तीन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स वाई एंड जेड, इनको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए आपको तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब सपोज मैंने आपको कहा कि हम इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, सपोज 2.5.6 मीटर्स इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, फिर कौन सा पॉइंट है? तो पहले हम क्या करेंगे, टू स्टेप जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आप यहां से गए 1, 2, ठीक है, फिर हम 5 स्टेप जाएंगे y एक्सिस के अलोंग, तो 1, 2, 3, 4, 5, सपोज हम यहां पहुंच गए 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे ले लो, फिर हम 6 स्टेप जाएंगे z एक्सिस के अलोंग, तो फिर हम इस तरफ आएंगे स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, या अभी हम यहां पे दिखा देते हैं, ये 6 स्टेप्स हैं। तो पहले किसी भी पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से हम ओरिजिन से शुरू करके उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन बाय यूजिंग द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स यू कैन रीच द पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ -2 लिखा होता तो हमें नेगेटिव साइड पे जाना पड़ता पहले, फिर हम यहाँ जाते फिर हम यहाँ आते, अगर यहाँ पे भी -6 लिखा होता तो पहले हम यहाँ जाते फिर हम यहाँ जाते फिर हम नेगेटिव साइड पे जाते, पीछे रूम के पीछे वाले रूम में पहुंच जाते। तो मतलब इट इज वेरी इजी टू लोकेट अ पॉइंट आफ्टर यू स्पेसिफाई इट्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, ये सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब जैसे हमने टू डायमेंशन में किया था, तो टू डायमेंशन में हमने ये रूल किया था बेटा, देखना, सपोज जब भी हमें प्लेन की बात करनी होगी तो हम उसको एक्स वाई प्लेन बना देंगे, जैसे अभी व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, हम इसको एक्स जेड प्लेन भी बना सकते हैं, वाई जेड प्लेन भी बना सकते हैं, देयर इज नॉट रॉन्ग। अगर आप इसको वाई एक्सिस चूज करते हो और इसको जेड एक्सिस चूज करते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको, फिर ये वाई जेड प्लेन बन जाएगा, लेकिन यूजली एक्स वाई करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर हम प्लेन के अंदर कोई भी वेक्टर बनाते हैं, सपोज वी ड्रॉ एनी वेक्टर इन दी एक्स वाई प्लेन, तो इस वेक्टर को हम दो स्टैंडर्ड फिक्स्ड वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस एनी वेक्टर ड्रॉन इन दी एक्स वाई प्लेन इन टर्म्स ऑफ टू फिक्स्ड वेक्टर्स, और उन वेक्टर्स को हम बाई कन्वेंशन आई कैप और जे कैप मानते हैं। और इन दोनों वेक्टर्स की क्या खास बात है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, बट दैट डज नॉट मीन दीज आर इक्वल वेक्टर्स, बिकॉज दे डोंट हैव द सेम डायरेक्शन, सो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स।
तो किसी भी वेक्टर को xyz प्लेन में किसी भी वेक्टर को i कैप और j कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. एंड दिस वे ऑफ राइटिंग डाउन a वेक्टर इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप इज यूनिक. मतलब सपोज यहां पे 3 आ गया, यहां पे 2 आ गया, तो यहां पे और कोई नंबर नहीं आ सकता. मतलब 3.1 और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको कम कर दें, या इसको भी बढ़ा दें उसको कम कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा. तो ये आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, इसको हम बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर. समझ में आ जाएगा? किसी भी वेक्टर को i कैप और j कैप की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्स वाई प्लेन इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप. तो जैसे अगर ये वेक्टर मैंने बनाया, अब मान लो ये पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं देवांश, बताओ. सपोज मैं इस वेक्टर को लेबल कर देता हूँ PQ वेक्टर, तो ये क्या चीज है? यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज सीखनी है तो शार बताओ. हाँ, इसको हम बोल सकते हैं, नहीं इनिशियल कोई चीज मूव कर रही है ये तो बताया नहीं ना अभी हमने कि समथिंग इज मूविंग और नॉट. मैंने तो वैसे ही एक वेक्टर बनाया, इसको हम बोल सकते हैं पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी. ठीक है ना, पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट पी. सिमिलरली ये क्या चीज है? पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट क्यू. बाकी ठीक है, आपका इनिशियल भी बोल सकते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट मानने. तो ऐसी स्पेस में भी हमारे पास होता है. स्पेस में, अब जैसे हमने आपको बता दिया, ये तो एक थ्योरम है कि एक्स वाई प्लेन में किसी भी वेक्टर को दो फिक्स्ड वेक्टर्स की टर्म्स में लिखा जा सकता है. और दिस वे ऑफ राइटिंग इज यूनिक, इट इज लाइक अ थ्योरम. सिमिलरली देयर इज अ थ्योरम इन थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑल्सो. मतलब अगर स्पेस में मैं कोई भी वैक्टर लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक वैक्टर ले लिया ए वैक्टर, तो इस वैक्टर को आप तीन वेक्टर्स की टर्म्स में लिख सकते हो. ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर वी रिक्वायर थ्री फिक्स्ड वेक्टर्स. तो उनमें से बाय कन्वेंशन एक वेक्टर को आई कैप को एक्स एक्सिस के अलोंग चूज किया जाता है और एक को वाई एक्सिस के अलोंग चूज किया जाता है. मतलब यह है कि अगर आप अपने नोट्स पढ़ोगे उसमें लिखा है, बेटा ये स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन ये थ्योरम है कि अगर हम स्पेस में कोई भी तीन वेक्टर्स ले लें, सपोज हमने स्पेस में तीन फिक्स वेक्टर्स ले ली ए बी और सी, तो ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर नहीं होनी चाहिए. मतलब ये एक प्लेन में ना आए. तीन वेक्टर्स ले लो आप, ऐसे ले ली और एक ऐसे ले ली और एक ऐसे ले ली, आपने तीन नॉन को प्लेनर वेक्टर्स स्पेस में रेफरेंस वेक्टर्स की फॉर्म में मान ली. अब स्पेस में कोई भी और वेक्टर बनाए, उनको हम इन तीन वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड दिस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द फोर्थ वेक्टर इज यूनिक. ठीक है, ये आपको मैंने पहले बताया था. ठीक है, अब वैसे हम इसको थ्री डायमेंशन में करेंगे. थ्री डायमेंशन में क्या है, आपको हम तीन फिक्स स्टैंडर्ड वेक्टर्स यूज करते हैं जो यूनिट वेक्टर्स होती हैं. एक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टैंडर्ड वेक्टर ली जाती है, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग. सो दीज थ्री, उसको हम के कैप बोलते हैं. वो पहले आप उससे मिले नहीं, के कैप. सो एनी वेक्टर इन दिस स्पेस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री फिक्स यूनिट वेक्टर्स. और इन तीनों को मिलाकर आई कैप जे कैप और के कैप को, इन तीनों को हम बोलते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स. दीज आर कॉल्ड एज कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स. समझ आ जाएगी ये लैंग्वेज. तो ये टर्मिनोलॉजी सीखनी होती है एक बार, ठीक है ना, कि व्हाट आर कार्टेशियन वेक्टर्स, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स. तो व्हाई वी वांट टू टेक द थर्ड वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, बिकॉज स्पेस में किसी भी वेक्टर को, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको इन तीनों की टर्म्स में लिखा जा सकता है. ठीक है, और दिस वे ऑफ राइटिंग इज यूनिक. ठीक है, यूनिक मतलब एक वन एंड ओनली वन वे ऑफ राइटिंग. बेटे बात नहीं करो फिर, मेरे को डिस्टर्बेंस होती है उससे ना काफी ज्यादा. ठीक है, ये देखना आप. अब सपोज हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट. तो अगर हम सिंपलेस्ट वेक्टर लें, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक एक वेक्टर लें, तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी. ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी. सो हाउ कैन वी राइट दिस पोजिशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप? तो वो बिल्कुल ईजी है. इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले आपको एक्स स्टेप्स जाने हैं इस वेक्टर के डायरेक्शन में, फिर आपको वाई स्टेप्स चलने हैं. ठीक है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में. ठीक है, फिर आपको जेड स्टेप्स आना है के कैप के डायरेक्शन में. ठीक है, तो आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा. तो इन जनरल अगर हमारे पास स्पेस में कोई भी पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, आगे से हम पी एक्स वाई जेड लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पी एक्स वाई जेड का मतलब क्या है. पी एक्स वाई जेड स्टैंड फॉर एनी पॉइंट इन दिस स्पेस हैविंग द थ्री पोजिशन कॉर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड, एंड दिस पॉइंट विल हैव दिस पोजिशन वेक्टर. हाउ इज अ पोजिशन वेक्टर डिफाइन आकाश? A position vector is a vector going from one point to the other. Position vector of point P means a vector जो origin से उस point तक जाता है. बाकी बिल्कुल same है. ठीक है, it is all the same. देखो अब suppose थोड़ा सा इसको अगर आप समझ सकते हो,
तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लैरिटी से बनाता हूँ इसको, देखना बेटा अगर इसको थोड़ा सा हम क्लियर बनाएं डायग्राम को दोबारा से। एक्स वाई जेड एक्सिस, बेटा बीच में ना बोलिए मेरे को ना डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस तो ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहां से आपने परपेंडिकुलर से ड्रॉप कर दिया। अब सपोज हम बात करते हैं कि इस वेक्टर की क्या लेंथ है, तो ये ओ से लेके पी तक एक लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखो ये जो चीज है, दिस थिंग गिव्स यू द जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो चीज है इससे हमें मिलता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है, और इससे वाई कोऑर्डिनेट मिलता है इससे। तो अगर हम इसको इससे ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये 90 डिग्रीज का एंगल है। तो अगर इस पॉइंट का कुछ भी नाम रखते हैं K, तो ये जो ट्राइंगल है पी ओ के, ये राइट एंगल ट्राइंगल है अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस है, सॉरी ये जेड कोऑर्डिनेट है, ये चीज जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये यहां पर जो है, ठीक है, इसको एल ले लेते हैं, ठीक है, इसको कुछ भी और पॉइंट ले लो, ठीक है, जे ले लो। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जेड है और ये एक्स है, तो ये जो लाइन आएगी इसकी लेंथ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस वाले ट्राइंगल में ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये वाई है, तो ये जो ओपी लाइन आ जाएगी इसकी लेंथ आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो, वो इतनी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ओपी ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ ओपी उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर, ठीक है, वो इतनी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको पहले भी बताया था। अब मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन और जेड वन, और यहाँ पे स्पेस में कोई दूसरा पॉइंट है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू और जेड टू, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं यहां से, तो ओ क्यू क्या है, ओ पी तो पोजिशन वैक्टर है पी पॉइंट की, और ओ क्यू क्या है, पोजिशन वैक्टर है क्यू पॉइंट की, ठीक है ना। तो OQ वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, OQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं x टू y कैप प्लस y टू j कैप प्लस z टू k कैप, और OP वेक्टर को मतलब ये r2 वेक्टर मान लो इसको, और इसको r1 वेक्टर मान लो, ये x1 y1 z1, ये तो r1 वेक्टर मतलब OP वेक्टर वो कितनी आएगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझो, ठीक है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला जाता है, सपोज कोई मस्कीटो कुछ भी फ्लाई व्हाटएवर, ठीक है, या कोई काइट व्हाटएवर, ठीक है, यहां से यहां मूव करता है, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और ये डिस्प्लेसमेंट है उसकी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे आएगी, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजिशन वैक्टर, ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। अब इसी को डेफिनेशन मान लो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल डिस्प्लेस पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। अब फाइनल पोजीशन को हम कैसे लिखते हैं, ये फाइनल पोजीशन है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो कैसे माइनस होगा, तो जैसे हमने उसमें किया था, जब हम एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना चाहते हैं, तो व्हेन यू राइट इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, तो माइनस करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं करना, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप के अलोंग, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप के अलोंग, और जेड टू माइनस जेड वन के कैप के अलोंग। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप बिल्कुल बोलिए मत बेटा, जो भी हुआ है वेरी स्पीकिंग, बिकॉज आई कांट टीच लाइक दिस, आई एम टेलिंग यू, यू कैन पे मी एज मच मनी एज यू लाइक, बट आई डोंट टीच लाइक दिस एट ऑल। वेर एवर आई टॉट इन माई ओन वे, आई डोंट वॉन्ट एनी नॉइज, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारा टाइम खराब हो रहा है यार क्लास का, और कुछ नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो भी चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना है नो प्रॉब्लम, एनी वन हू फील्स दे हैव गिवन मी मोर फीस दे कैन टेक देयर फीस बैक ऑल्सो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, एनी वन, ऑप्शन ओपन टिल 6 पीएम टू नाइट, टेक योर मनी फीस बैक एंड गो होम एंड सिट एंड एंजॉय समर्स, ठीक है। और बाकी जिसको पढ़ना है वो बिल्कुल ध्यान से पढ़े, कल नहीं आना, ठीक है, कि सर हमारा पैसा दे दो, ठीक है, आज ले आ सकते हैं, तो ऐसे नहीं बिल्कुल भी ना। फिर उसके बाद फिर मैं आई विल टेक एक्शन इफ एनी वन स्पीक्स, आई विल शंट यू आउट, डोंट स्पॉइल माई मूड एंड माई लेक्चर, आई कीप ऑन वर्किंग लाइक अ क्लॉक ओनली, इफ आई गेट टाइम टू स्लीप इट इज गुड फॉर मी, बीच में नहीं बोलिए बिल्कुल भी, डोंट स्पॉइल माई टाइम, इट इज नॉट अ ब्लडी कमर्शियलाइज्ड इंस्टीट्यूट लाइक द वंस यू हैव हु गिव बिग एड्स, डोंट डू दैट, डोंट स्पॉइल माई टाइम। ये देखो आप जहाँ पे पढ़ना है वहाँ पढ़ो, बढ़िया लोग हैं करनाल में, पैसा फेंको और तमाशा देखो, हम नहीं करते, हमारे यहाँ तो है कि पढ़ना है आपको एज ए स्टूडेंट, यू हैव टू सिट एंड स्टडी, हुएवर इट माइट बी हुएवर, आई डोंट नो, ठीक है, whomever you consider big you can take that man, for me no one is big,
ना, ये देखना बेटा, तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ ऐसे आएगी। तो अब आप इसको देखो, इसको हम बोल सकते हैं एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोल सकते हैं वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और इसकी लेंथ कैसे आएगी, तो ऐसे आ जाएगी, जो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है और जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे लिख देंगे, तो ये लेंथ ऑफ एस वेक्टर आ जाएगी। बिल्कुल ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो ये इसको हम एस एक्स बोल सकते हैं। तो अगर आप कोई भी वेक्टर है, तो देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, लीनियर मोमेंटम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, तो उसका कुछ एक्स कॉम्पोनेंट होगा, कुछ वाई कॉम्पोनेंट होगा, कुछ जेड कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे आता है, ठीक है ना, ए एक्स होल स्क्वायर, ए वाई होल स्क्वायर एंड ए जेड होल स्क्वायर, ये इसकी लेंथ आ जाती है। समझ में, बिल्कुल ईजी है। तो अब आफ्टर नोइंग दीज वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशंस, अब हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप देखना बेटा, बेसिकली हम वेक्टर्स क्यों यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग वेक्टर्स सो दैट वी कैन मीन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, क्योंकि जब हम टू डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं या फिजिक्स को हम वन डायमेंशन में पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ मोशन का चैप्टर ही पढ़े, कोई भी चैप्टर अगर हम स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ो, हमारी वर्ल्ड तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इट इज थ्री डायमेंशन, तो दैट इज वाई वी नीड आई कैप, जे कैप एंड के कैप टुगेदर, सबकी जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ना है, तो फिर तो आई कैप, जे कैप, के कैप की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डायरेक्शन बता सकते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस से डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब जैसे सपोज हम ऐसे सिंपलेस्ट काम करते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है, सपोज एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सपोज ये ओरिजिन है और ये 1 मीटर वाला पॉइंट है, 6 मीटर वाला पॉइंट है, तो एक पर्सन यहां से यहां जाता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पर गया या नहीं, वो तो मैटर नहीं करता, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, ठीक है, ए बी वेक्टर बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। तो हाउ कैन वी राइट दिस वेक्टर नाउ, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका लेंथ है 5 यूनिट्स, क्योंकि 6 माइनस 1, क्योंकि ये पोजिशन कोऑर्डिनेट है 1, 1, 0, 6, 0, ठीक है ना। और आप चाहे तो इसमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी 0 लिख सकते हो, ठीक है, जेड एक्सिस, क्योंकि वाई और जेड कोऑर्डिनेट इसके 0 है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट को, तो ये इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के लिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हमने कार्टेशियन यूनिट वेक्टर रखा आई कैप, तो हम ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आई कैप को हम बोलते हैं इट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ एस, इट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एस। और आप देखो, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम आती, क्योंकि जब आप आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करते तो इसका, इसकी वैल्यू तो चेंज कर जाती है, पर इसकी वैल्यू तो हम चाहते हैं 5 है, तो दैट इज व्हाई यूनिट वेक्टर्स आर टेकन एज रेफरेंस वेक्टर्स, बिकॉज़ व्हेन यू मल्टीप्लाई एनीथिंग विद यूनिट वेक्टर्स, तो इससे इसकी डायरेक्शन तो एक्सप्रेस हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो एक्सप्रेस हो गई, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो हमने इसको 5 i कैप लिख दिया। ये सबको समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी है। तो अब देखो, आप सपोज हमारे पास कोई भी वैक्टर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास कोई भी वैक्टर है, लेट से ए, तो जैसे अगर हम सपोज एक्स वाई प्लेन ही बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक दूसरी कोई वेक्टर बनाता हूँ ए वेक्टर, अब ये वेक्टर, ठीक है, इसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी आएगा, कुछ वाई कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो, ठीक है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में भी हम एक यूनिट वेक्टर को ले सकते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब समझ रहे हो ना आप, यूनिट लोग्स होते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब है आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर का मतलब है अ वेक्टर हैविंग लेंथ ऑफ 1। तो फिर हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इस ए वेक्टर को, तो ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का कुछ लेंथ आएगी, लेंथ को ऐसे लिखा जाता है, और ये ए कैप के डायरेक्शन में है, जैसे यहां पे हमने लिखा ये इसकी लेंथ है और ये आई कैप के डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, आप लिखना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, मैंने पहले कराया था बेटा, आपको याद होना चाहिए आपको, लेकिन अब हम थ्री डायमेंशन में कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से करा रहा हूँ, और ये सबसे कॉमन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में अगर आपको मालूम है तो आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो सपोज मैं आपको कोई भी वेक्टर देता हूँ, सपोज ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये कोई भी वेक्टर है, हमें नहीं मालूम ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, कुछ है, वैसे ही हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको इस वेक्टर के बारे में, पहले तो आपको इसकी डायरेक्शन भी नहीं मालूम, तो थोड़ा सा विजुलाइज कर लो आप, तो मान लो आप
आई कैप के अलोंग, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग टू यूनिट्स लेना आपको, ये ना एक्स एक्सिस ये वाली लाइन, तो टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, मतलब ऐसे। अब पहले आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ऐसे रिजल्टेंट आएगा, देखिए आपको इसको और इसको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या ऐड करना है आपको, 4k कैप, तो 4k कैप उस तरफ आएगा, तो ऐसे कोई वेक्टर मिल जाएगी स्पेस में, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि इसमें तीन चीजें ऐड करनी है आपको, 2i कैप लेना आपको x एक्सिस के अलोंग, फिर माइनस 3j कैप मतलब नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग थ्री स्टेप्स जाने, और फिर 4k कैप, 4k कैप मतलब उस तरफ आगे, ठीक है, 4k कैप। तो इनको ऐड करके क्या मिलेगा, वो वाली वेक्टर आ जाएगी, तो उसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ये तो ईजी है, ठीक है, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन तो बना सकते हो, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये 2i कैप और फिर 3j कैप, तो ये वेक्टर आ गया, ठीक है, और उसके बाद 4k कैप यहां पर आ गया, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, ऐसे कोई वेक्टर आ जाएगी, उसको हम a वेक्टर बोल रहे हैं। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो, क्योंकि इस वेक्टर की लेंथ, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसकी लेंथ 1 है, अब इसकी लेंथ 1 नहीं है, अब देखो इसकी कितनी लेंथ है, तो ये 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ गया, 13 एंड 16 29, ये है ना 4 प्लस 9 13 प्लस 16, ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो अगर इसकी लेंथ 1 होती तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाता, और सॉरी 1 आ जाता, ठीक है ना। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन में, ये वाली वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कैसे आएगी, तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, इस वेक्टर का, इस वेक्टर की लेंथ को अगर हम ए मान लें, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अगर हम ए कैप मान लें, तो इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए एंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ये इससे इससे कंपेयर करके समझो, किसी भी वेक्टर के को हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी लेंथ और उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब हमको ये निकालना है, ये पता लगाना है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज, इस वेक्टर को इससे डिवाइड कर दो आप, यानी कि 1/a, 1/a का मतलब ऐसे लिख दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको कई जगह पे यूज होगा, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो जो लोग फिजिक्स पढ़ने मतलब समझ के करना चाहते हैं उनको पता चलेगी बाद में, बाकी स्कूल के एग्जाम से तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है या दो मार्क्स का मिड टर्म में, ठीक है ना। ए कैप इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे आएगी, जब हम इस वेक्टर को, इसी वेक्टर को अपनी ही लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं। अब देखने से ये यूनिट वेक्टर नहीं लगती, लेकिन आप इसकी लेंथ निकालोगे तो ये 1 आएगी इसकी लेंथ, वो कर दो आप लेंथ कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सबको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, आप चेक कर लो, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आ जाएगा बेटा सबको, ठीक है। बाकी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले, तो अब हम आगे नहीं करेंगे और ज्यादा, ठीक है, वो बहुत ईजी है, याद कर लो। तो ये यहीं से स्टार्ट होती है, मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, देखना डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट आपका, फिर इसमें और भी चीज़ें आपको बता देते हैं। तो ना घर में काम करना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि अगर आप घर में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब तक तो चल गया काम, क्योंकि हमने बहुत स्लो करा है, कई सारे रिस्क ले गए कि आपको स्कूल के हिसाब से मार्क्स भी ना आए, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, लेकिन अब के बाद अगर आप घर में काम नहीं करोगे तो इलेवंथ क्लास ही लगेगी, पहले बता रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ना शुरू करना है आपको। तो ये देखो बेटा ए डॉट बी है ना, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही यही है। ए व्हाट डज ए स्टैंड फॉर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ए डॉट बी की ये डेफिनेशन होती है, बी ए बी कॉस थीटा। कल हमने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, ए डॉट बी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर सेम, दे हैव इक्वल वैल्यूज, वो उनमें कोई फर्क नहीं है। A डॉट ए मीन्स ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, ये क्या था ना A डॉट ए, दिस मीन्स लेंथ ऑफ A वैक्टर का स्क्वेयर। तो अगर A वैक्टर इसके इक्वल है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, तो वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A अभी अभी मैंने लिखा था आपको, ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, और अगर इसका स्क्वेयर कर देंगे तो ये स्क्वेयर रूट का साइन खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ना इजीली आपको आना चाहिए। तो अगर आप घर में करेंगे तो फिर जरूर आएगा, कुछ नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा। अब देखना बेटा, अब ये हम कंप्यूट कर सकते हैं, आई डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के, तो ये दोनों तो जीरो आ जाएंगे, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है और आई और के भी परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर वैक्टर्स को कई बार हम बोलते हैं ऑर्थोगनल वैक्टर्स,
ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, नोट्स में लिखा हुआ है आप समझ लो, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल मींस टू वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर ऑर्थोगोनल। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मींस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे और भी आ जाएंगे ना रिजल्ट, जे डॉट के तो जीरो आ जाएगा, जे डॉट आई भी जीरो आ जाएगा, जे डॉट जे वन आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीज समझ गए हो तो फिर आप सिंपल, एक और मैंने आपको बताया था एम टाइम्स ए डॉट प्रोडक्ट विद एन टाइम्स बी, इसको हम लिख सकते हैं एम एन टाइम्स ए डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको कहीं भी ले जा सकते हैं आप, चाहे तो एम और एन को दोनों को बी के साथ भी ले जा सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या एम और एन को ए के साथ ले जा सकते हो। तो अगर मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन दूं, सपोज मैंने आपको दिया क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू सपोज 3i कैप माइनस 4k कैप, मान लो मैंने आपको ए और बी की ये वैल्यूज दे दी और मैंने आपसे पूछा कि ए डॉट बी कितना आएगा। एक चीज और याद करो, कल आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बताया था, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे लिखा था हमने, ठीक है, इसको अगर हम 3 करते तो ये 4 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे आया था बेटा, ए डॉट बी प्लस सी, अगर यहाँ माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे लिखा था हमने ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसका कोई प्रूफ नहीं बनाया हमने, ठीक है। ये आप ध्यान देखो, ये तो आपको इंट्यूटिवली हम यूज कर रहे हैं, प्रूफ्स बनाएंगे तो बहुत और साल लग जाएंगे इसको करने में, ठीक है, बट सबके फॉर्मल प्रूफ्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करेंगे। देखना हम ए डॉट, ये ना ए डॉट बी, देखना एक बार आप ए डॉट बी में हम ऐसे लिखेंगे, इसका और बेटे इसका डॉट प्रोडक्ट लेना आपको 3i कैप माइनस 4k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना आपको, तो कैसे आएगा। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट विद दिस, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं और फिर लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट विद 4k कैप। ये समझ में आएगा आपको, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया बस, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है और ये बी और सी है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं 3i कैप को कम्यूटेटिव लॉ से, और हम चाहें तो 4k कैप को पहले लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से, ये आ गया कम्यूटेटिव लॉ। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, तो 3 × 2 = 6 आएगा और i डॉट i कितना आएगा 1, यहां पर तो वही है ये m, ये n, m a डॉट n b, तो हमने m n को साथ लिख लिया, 3 × 2 = 6 i डॉट i इज 1, 3 × 3 = 9 i डॉट j इज 0, ठीक है। फिर यहां पे k डॉट i इज 0 और यहां पे k डॉट j इज 0, तो आपके पास सिर्फ ये आंसर आएगा 6। अब 6 क्या वेक्टर है, 6 तो वेक्टर नहीं है, 6 तो स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर, वही हमने आपको बताया था जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको देखो बेटा आप एक बार, ये एक सिंपल सा रूल है जिसको आप घर जाके समझ लेना, ax i कैप ay j कैप az k कैप, मान लो ये a वेक्टर है और सपोज b वेक्टर ये है, ठीक है ना, bx i कैप, तो आप देखना जहां पर k डॉट i k डॉट j आए वहां 0 0 आ गया, जहां पे i डॉट j आए वहां 0 आ गया, सिर्फ i डॉट i वाली टर्म आएगी, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, अब ये जो मैं अभी आपको रिजल्ट बता रहा हूँ इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 11th में आपको डायरेक्टली करना होगा। तो a डॉट b अगर आपको लेना है इन दोनों वेक्टर्स का, स्कूल में सिंपल प्रॉब्लम्स आती है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सिंपल, ठीक है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, तो आपको ये पहले पूरा लिखना है और फिर ये पहले पूरा लिखना है, फिर सबको मल्टीप्लाई करना है, काफी सारी टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन फाइनल आंसर में ये बचेगा, देखना ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई ये वाली टर्म आएगी और आई डॉट जे जीरो आई डॉट के जीरो, फिर जे वाले जे डॉट आई जीरो जे डॉट ये आ जाएगा ए वाई बी वाई, फिर ए वाई बी जेड, सॉरी ए जेड बी जेड ये आ जाएगा। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेना है, बाकी सारे टर्म जीरो बन जाएंगे, वो बनाकर देख लेना, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने और वाई कॉम्पोनेंट को आपने वाई कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे, ठीक है ना, ये z और ये z, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये समझ में आया बेटा, बताओ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये क्लियर है ना सबको दो वेक्टर्स का। अब इसको यूज करके हम एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप लिखना फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये सबसे कॉमन यूज है डॉट प्रोडक्ट का, Find the angle between the vectors. और ये स्कूल में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स
तो मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूँ, इनके बीच में एंगल निकाल कर दिखाओ। पहले मैं इजी केस दे देता हूँ, है ना। चलो ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक ये वेक्टर है, और बी वेक्टर है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप। अब इन वेक्टर्स को ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। इन वेक्टर्स को अगर आप एक्स वाई जेड एक्सिस करके ड्रॉ करोगे, विजुलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, सब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे बता दोगे आप? कैसे? पहले क्या करना है? पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी निकाल लोगे इसमें? तो रफ वर्क में निकालना है ए डॉट बी। तो आएगा बेटा देखो वहां पे 1 into 2 और 1 into 3 और 1 into 4 आएगा ना, 2 into 1, 1 into 3, 1 into -4 ऐसे आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 5 और 1, ये तो 1 आ गया, 1 आ गया। 3 और 2 5 -1 1, ठीक है ना। तो ए डॉट बी, लेकिन ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है? लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस इक्वेशन से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। अगर आपको थीटा निकालना है तो ये इक्वेशन यूज होती है, हर जगह पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, मतलब शॉर्टकट बोलते हैं इसको लोग। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो पहले ये लिखना पड़ेगा आपको। ए डॉट बी कितना आया इस केस में? 1, और ए क्या आएगा? ए, ए इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ कैसे आएगी? आई कैप का कोफिशियंट, जे कैप का कोफिशियंट, के कैप का कोफिशियंट, ये आ जाएगी √3। और बी, बी की लेंथ कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगा 4 + 9 + 16, कितना आया? √13। तो ये √13 क्या बेटा? 29, √29। तो ये अब आपके पास आया कॉस ऑफ थीटा। तो अब ये तो टेबल से देखना पड़ेगा, 29 × 3 = 37, 287 बन गया, कितना आएगा, ठीक है ना, 87। तो cos थीटा आ गया आपके पास 1 upon √87। √87 कुछ भी आएगा, 9 point something, है ना, 9 point something, वो निकाल लेना। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या कैलकुलेटर से पता चलेगा कि थीटा कितना आएगा, क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे, थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1 upon √87। ये आंसर है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में बड़ा इजीली निकल जाएगी। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें शिफ्ट दबाना है और cos इनवर्स दबाना है और 1/√87 करना है। आगे आंसर डिग्रीज में अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा कि इतने डिग्रीज का एंगल है, जितना भी है ये 80, 81 कुछ भी, काफी बड़ा एंगल आएगा ये, ठीक है, निकल जाएगा बहुत इजीली। निकाल लोगे इसको एंगल की वैल्यू को। तो ये एक वन ऑफ द यूज है। एक और क्वेश्चन है बेटा, देखना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, मैं आपको वही करा रहा हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अच्छी चीज है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, अभी मैं बताऊंगा आपको प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इफ, अब एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप देखना ये इंपॉर्टेंट है, फिर इस आइडिया को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब इसमें ए वेक्टर कौन सी, मैं अभी देने लगा हूं आपको वैल्यूज, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर उसको देखकर आप इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम, ये आपके पास सपोज ए वेक्टर है और कहीं बी वेक्टर भी लेना है, तो सपोज मैं यहां पे बी वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे ही ले लेते हैं ना, आपके लिए इजी रहेगा। सपोज ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हाउ डू वी फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, कैसे फाइंड करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, जो ए वेक्टर का फाइनल पॉइंट है वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बी वेक्टर के ऊपर, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है लेट्स से पी, ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, ये है आर, तो पी आर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। तो ये जो चीज आ रही है एम आर, ठीक है, जो यहां पे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हम पी एम को, इसको, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इस चीज को बोलते हैं पीएम को। तो पीएम इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अलोंग बी मतलब बी के साथ, बी की डायरेक्शन में, समझ में आएगा।
कई बार ये नेगेटिव भी आती है वैल्यू। अब आप कहोगे लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो वो कैसे आएगी वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालना है आप देखो पहले, अब अगर सपोज ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल में सपोज हमें इसकी लेंथ नहीं मालूम, तो अगर हम सिंपल लिखे कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, ये आ जाएगा। ए क्या है, ए वेक्टर की लेंथ, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया कि एमपी जो है, एमपी ही ए वेक्टर की प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए कॉस थीटा। एमपी को ही हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो MP यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ A along B, ये इसके इक्वल है A dot B, ये A dot B है, A dot B divide by B है, ये है ना A dot B divide by B, तो इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ A along B बोलते हैं। इसका जो भी यूज आएगा, जब भी आएगा, वो फिर हम तब करेंगे, पहले आप इसको याद कर लो, बिकॉज समटाइम्स हम आपको कहेंगे ओके लेट अस कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो A वेक्टर की प्रोजेक्शन B की डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगी। तो आगे अब मैं आपको दे देता हूं कौन सी वेक्टर है। सपोज मैंने लिखा ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर को मैंने लिखा आई कैप प्लस टू जे कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हो एक्स वाई प्लेन में, बहुत इजीली बन जाएंगे ये दोनों वेक्टर्स। तो ए की प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में कैसे आएगी, इस केस में कुछ नहीं करना बेटा आपको, ये लिखना है। तो अगर हमें ए की प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में निकालनी है, तो ए डॉट बी, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी आएगी ए कॉस थीटा, ये आपको याद कर लो, ए कॉस थीटा आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी आएगी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कोई जरूरी नहीं है, अगर थीटा 90 और 180 के बीच में है तो कॉस थीटा नेगेटिव भी आएगा। तो क्या ए की प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग नेगेटिव आ सकती है, आ सकती है, मैथमेटिकली वो आ सकती है, जैसे आपके बैंक बैलेंस में -2 रुपीज हो सकते हैं, ठीक है, वैसी नेगेटिव भी आ सकती है, -2 रुपीज हो सकते हैं आपके बैंक बैलेंस में ऋषभ, ठीक है। अब देखना ये मतलब आपने 2 रुपए बैंक के उड़ा दिए, ठीक है ना, मतलब यू ओवर स्पेंट लाइक दिस गाइस दो टेलीकम्युनिकेशन वाले देते हैं ना आपको, वो नेक्स्ट रिचार्ज में से काट लेते हैं, लास्ट कॉल का कुछ अमाउंट फ्री में दे देते हैं, तो दैट इज -2। तो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, तो अगर हम इससे प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ऐसे आ जाएगा। तो अब इसमें एम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो अब ये जो चीज है देखना, इसको अगर हम पी बोलते हैं तो ये पी एम, ठीक है, तो इसमें ए कॉस थीटा नेगेटिव आएगा इस डायग्राम के लिए। नेगेटिव प्रोजेक्शन आने का मतलब सिर्फ ये है कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है बस, और कुछ डीपर मीनिंग नहीं है। ये मैं सोचना लेंथ कैसे नेगेटिव होगी, वो तो मीनिंग ही नहीं है। ए कॉस थीटा की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये चीज मिलेगी, और ए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये चीज मिलेगी। तो बस आपको डायग्राम समझ में आ गया, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आपको सिंपली ये याद रखना है प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या होता है, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा कैसे आएगा, ए डॉट बी को बी की लेंथ से डिवाइड कर दो। इसमें ए डॉट बी कितना आ रहा है, 1 - 2 - 1 ए डॉट बी। तो इससे क्या पता चल रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 से बड़ा है, और बी की लेंथ कितनी आ रही है, √5। तो ये आंसर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी आ जाएगा, जो भी इसका यूज है। कैन वी कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कैन वी कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, इन द डायरेक्शन ऑफ और अलोंग का सेम मीनिंग है वेक्टर्स में, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, बी के फाइनल पॉइंट में से ए के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है ये, फिर ये जो ये आएगा जो पी एन, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए कैसे आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये आएगा बी कॉस थीटा, और उतना आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, ठीक है, ए डॉट बी कितना है -1, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है √2, ये आ जाएगा। अब इनका जो भी यूज करेंगे हम प्रोजेक्शन का, कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा यूज होगा बाद में, पर पहले आप आज हमारे पास जो 5-10 मिनट्स पढ़े उसमें ये चीज सीख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ में आएगा बेटा बताओ, ठीक है। तो आप ना इसके नोट्स बना लो वीकेंड तक, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अच्छे से बैठ के वेक्टर्स के नोट्स बना लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक काम और करना बेटा सभी लोग, देखो ये ना टेस्टिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम ऑनलाइन टेस्ट को थोड़ा मेजर वे से यूज करना चाहते हैं अभी, तो ना आज आपको एक SMS कर देंगे, उसमें एक फॉर्म आएगा आपके पास, तो जिन बच्चों के ईमेल आईडीज हमारे पास हैं ऑलरेडी ओके इट इज गुड, और आप उस फॉर्म में अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना, फिर उसमें ना कुछ ऑनलाइन टेस्ट का हम सिस्टम शुरू कर सकते हैं। जैसे आज आपने ये पढ़ा, तो अगर सपोज 10 क्वेश्चंस आपको
मिल जाते हैं जो इससे रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं, तो जो आपके कंसेप्ट को रीइन्फोर्स करें। तो आप अपने फोन पे भी चेक कर सकते हो उन क्वेश्चन को, तो वो आप उसको कर लेना, ठीक है। एक फॉर्म आएगा, उसमें अपना ईमेल आईडी एंटर करना है आप लोगों को, कर लोगे जिनका नहीं है हमारे पास। वैसे तो हमने सबके लेने की कोशिश की है ईमेल आईडी, दैट सिस्टम वर्क्स थ्रू ईमेल आईडी, इफ यू डोंट एंटर इट देन यू कांट बी रजिस्टर्ड इन दैट ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है।